नमस्कार, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। ऑडियो बुक के इस भाग में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जो जियोग्राफी सब्जेक्ट की है उसका छठवां अध्याय जिसका टाइटल प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव है उसको कवर करेंगे। इसका पांचवां अध्याय ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यह ऑडियो आप स्पॉटिफाई, एंकर FM, जियो सावन एवं headphone.com जैसे एप्लीकेशन में भी आप आसानी से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि वह जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते स्वरूपों को देखकर कितनी हैरानी हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढालों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंक्वाधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रेडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की प्रकृति एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में पर्वत के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटनाओं में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। का वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। खा घास स्थल, जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। गा कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने ध्रुवी प्रदेश में शंक्वाधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां, आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारियां प्राप्त करें। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इसे आप चित्र 3.6 में देख सकते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम काफी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यह दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूर, महोगनी आदि पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं।
इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सगमन, नीम तथा शीशम है। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग होती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। आप इन्हें चित्र 6.5, 6.6 एवं 6.8 में देख सकते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। आप इसे चित्र 6.7 में देख सकते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दंड एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिकांश शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। आप इन्हें चित्र 6.11 में देख सकते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एस, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। आप इन्हें चित्र 6.9 एवं 6.10 में देख सकते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आप इसे चित्र 6.12 में देख सकते हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम यह पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश स्ट्रेस के फल पैदा होते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीव कम है। शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री नॉर्थ से लेके 70 डिग्री नॉर्थ में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आप इन्हें चित्र 6.13 में का एवं खापे देख सकते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा के हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने में काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बॉक्स बनाने में किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। आप इन्हें चित्र 6.14 में देख सकते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। आप इन्हें चित्र 6.15 में देख सकते हैं। शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइशन, एंटीलोप पाया जाता है। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में पाई जाती हैं।
उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाती है। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी वैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। आप इसे चित्र 6.16 में देख सकते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्र में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थलीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे बन जाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेश में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं? जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में शवाना, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लॉनोस। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना में पेम्पस, उत्तरी अमेरिका में प्रहरी, दक्षिण अफ्रीका में वोल्ट, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो इसके साथ ही ये अध्याय खत्म होता है। यह अध्याय पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप इस ऑडियो को स्पॉटिफाई, एंकर FM, जियो सावन एवं हेडफोन जैसे पॉडकास्ट एप्लीकेशन में भी सुन सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए शुक्रिया।